अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अवेलेबल हैं, उनमें हम बात करेंगे ईथरनेट की, फिर हम बात करेंगे टोकन रिंग की, फिर हम देखेंगे आर्कनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हम इंटरनेट का प्रोटोकॉल TCP ओवर IP इसको डिस्कस करेंगे और आखिर पे कुछ हम कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर बात करके इस लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल को हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। बेसिकली दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक वे ऑफ इंटरेक्शन जिसमें उन्होंने आपस में मालूमात को एक्सचेंज करना है, उस मकसद के लिए हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। डिवाइसेस आपस में तब कम्युनिकेट करेंगी जब दोनों डिवाइसेस में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। अगर डिवाइसेस में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मौजूद नहीं है तो डिवाइसेस कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अब जो नेटवर्क प्रोटोकॉल ने चीजें फोकस करनी होती हैं वो क्या हैं? द फर्स्ट वन इज विच डेटा इज टू बी सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कौन सा डेटा है, डेटा की नेचर क्या है, डेटा की टाइप क्या है जिसको हमने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। नंबर टू, हाउ द डेटा विल बी सेंट, किस तरह डेटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। और तीसरे नंबर पे सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइसेस, इनके मुतलक अवेयरनेस, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का बुनियादी जुज और हिस्सा होता है। इसके बाद अगर हम पहले प्रोटोकॉल की बात करें तो वो है ईथरनेट। इट इज द मोस्ट कॉमन लैन प्रोटोकॉल। ये लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। इट यूजेस हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। ये नॉर्मली बस टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है जिसमें हाईएस्ट स्पीड के साथ हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचा सकते हैं। अगर बस टोपोलॉजी वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो इसी चैप्टर के अंदर टोपोलॉजी वाला टॉपिक है, वहां पे जाके आप बआसानी इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली दिस वन इज इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ये बहुत आसानी के साथ हम डिवाइसेस के साथ इसके जरिए से डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब इस मकसद के लिए ऑल द कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज द सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। याद रहे ये प्रोटोकॉल तब इस्टेब्लिश होगा जब जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी एक ही वायर के साथ आपस में कनेक्ट हों। अगर वो डिवाइसेस एक वायर के साथ कनेक्ट नहीं है तो फिर ईथरनेट आमतौर पर डेटा को कम्युनिकेट करने का सोर्स नहीं है। इसमें अगर डेटा ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें तो 10 MB से लेके 100 GB तक डेटा को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी इसमें मौजूद होती है। सो दिस वन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द मैसेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। कम्युनिकेशन डिवाइसेस मस्ट फॉलो सेम रूल फॉर ऑल कम्युनिकेशंस। जितनी भी कम्युनिकेशंस होनी है उनमें जो रूल्स होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं और हर डिवाइस ने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। इफ टू आर मोर कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट। याद रहे बस टोपोलॉजी के अंदर हमने इसको पढ़ा था, एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। अगर दूसरी डिवाइस ने डेटा को ट्रांसमिट किया तो डेटा लॉस हो जाएगा, क्लियन होगी और वहां पर आमतौर पर डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। अ कंप्यूटर चेक्स इफ द केबल इज इन यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। द कंप्यूटर वेट्स इफ द केबल इज बीइंग यूज्ड। सो अगर एक कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो चेक करता है कि क्या केबल जिसके ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना है क्या वो केबल फ्री है। अगर तो वो केबल फ्री होगी तो वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, अगर वो केबल फ्री नहीं है तो वो डेटा कभी भी उस वायर के ऊपर, उस केबल के ऊपर ट्रांसमिट नहीं करेगा। इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग डेटा व्हेन द केबल इज आइडल और फ्री। जब केबल फ्री होगी तो फिर कंप्यूटर डेटा को ट्रांसमिट करेगा, अगर तो केबल फ्री नहीं होती तो डेटा किसी सूरत में भी कंप्यूटर ट्रांसमिट नहीं करेगा। हम इस प्रोसेस को सिंपली कहते हैं CSMA/CS। ये क्या चीज है इसको हम पढ़ते हैं ताकि हम इसके मतलब बेहतर तरीके से जान सकें। हम बात करते हैं CSMA/CS की। हम इसको कहते हैं, ये बेसिकली इंटरनेट के अंदर तीन मेथड्स होते हैं, उनमें एक है CSMA/CS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर क्लियन सेंस।
आसान अल्फाज में अगर मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बताऊं तो बेसिकली जब मैसेज ने लाइन के ऊपर ट्रेवल करना होता है और वहां पे क्लियन होने की जो सेंस होती है कि यहाँ पे क्लियन होने के चांसेस हैं, उसको हम करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर क्लियन सेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस मेथड अ नोड लिसन्स टू द बस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। जब एक डेटा ने ट्रांसमिट होना है तो कंप्यूटर या एक नोड या एक क्लाइंट कंप्यूटर वो बस से रिस्पॉन्स लेता है कि क्या लाइन फ्री है या लाइन फ्री नहीं। इट वेट्स अंटिल द नोड हैज कंप्लीटेड द ट्रांसमिशन। अगर तो लाइन फ्री है तो इसका मतलब है कि दूसरा जो कंप्यूटर है वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर लाइन फ्री नहीं है तो इसका मतलब है फिर पहला कंप्यूटर जब तक मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर देता, लाइन आइडल या फ्री नहीं होती, तो डेटा दूसरा कोई भी कंप्यूटर इसके जरिए से ट्रांसमिट नहीं कर सकता। हम इसको सिंपली कहते हैं करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर कुलियन सेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेथड इसमें यूज किया जाता है हम उसे कहते हैं करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर कुलियन डिटेक्शन। हम इसे सीडी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कुलियन डिटेक्शन में क्या होता है, जहां पे कुलियन हो चुका होता है वहां पे डिटेक्ट किया जाता है ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। इट इज अ लोकल एरिया एक्सेस मेथड। ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक बेसिकली एक्सेस मेथड है। इट रिजॉल्व्स द कंटेंशन बिटवीन टू और मोर स्टेशंस बाय कुलियन डिटेक्शन। जहां पे कुलियन होती है वहां चेक किया जाएगा कि यहां कितनी रेट के साथ कुलियन हुई और उसमें कितना डेटा लॉस हुआ है। इफ टू स्टेशंस ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम, अगर दो कंप्यूटर्स या दो नोड कंप्यूटर एक ही वक्त में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, दे बोथ स्टॉप एंड जनरेट अ सिग्नल दैट अ कुलियन हैज अकर्ड। तो दोनों कंप्यूटर एक सिग्नल इशू करेंगे और कहेंगे कि यहां पे कुलियन हो चुका है, स्टेशंस वेट एंड रीट्रांसमिट डेटा। फिर बारी बारी जो स्टेशंस हैं या कंप्यूटर्स हैं वो अपना डेटा सेंड करेंगे ताकि फर्दर उस डेटा को सेंड किया जा सके जब लाइन फ्री होगी। लाइन का फ्री होना इसमें सबसे अहम है क्योंकि बस टोपोलॉजी के अंदर आमतौर पे जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो लाइन के थ्रू ही ट्रेवल करवाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड जो हम इसमें अडॉप्ट करते हैं हम उसे कहते हैं करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर क्लियन रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। इट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम। अगर हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस डेटा को ट्रांसमिट करें, अ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइसेस। सो उस मकसद के लिए हमें एक प्रोटोकॉल, हमें एक ऐसा मेथड और एल्गोरिदम डिवेलप करना पड़ेगा जिसके जरिए से एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिवाइसेस डेटा को ट्रांसमिट करें। इसके बाद हम दूसरे प्रोटोकॉल की बात करते हैं, यह है टोकन रिंग। बेसिकली दिस वन इज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज टिपिकली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। हम इसे भी आमतौर पे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल की तरह अपने रूल्स को इंप्लीमेंट करता है। इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क। इसके जरिए से होता क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ हम मुंसलिक करते हैं और नेटवर्क को कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर या नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर चलाना आसान बनाते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें एक सिग्नल इशू किया जाता है जिसको हम टोकन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। टोकन बेसिकली एक टिकट की तरह रिएक्ट करती है। अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ इट हैज अ टोकन। मैं इसकी मिसाल आपको सिंपली इस तरह समझाता हूं, जैसे आप बचपन में क्लासरूम में मौजूद हुआ करते थे और आपको एक पास दिया जाता था, आपकी क्लास के जो इंचार्ज होते थे या आपकी क्लास का जो सीआर होता था उसकी तरफ से एक पास मिलता था, जिसके हाथ में वो पास होता था वो क्लास से बाहर जा सकता था। सो बेसिकली यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है टोकन रिंग के अंदर। मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और उन डिवाइसेस में एक टिकट, एक टोकन इशू किया जाता है, एक सिग्नल इशू किया जाता है। जिस डिवाइस के पास वो सिग्नल होगा वही डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, अदरवाइज डेटा ट्रांसमिशन मुमकिन नहीं। Only one token is available in one network. That is why no कुलियन can occur. चूंकि पास होता ही एक है, एक ही टिकट होती है, एक ही टोकन होता है, सो यहाँ पे कुलियन होने के चांसेस नहीं होते। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है rather than the ethernet. इसमें practical implementation किस तरह होती है, when a computer wants to send a message, it gets the token. जब किसी computer ने data को send करना है वो सबसे पहले token लेगा, puts the data into the token, उसके बाद वो टोकन के अंदर डेटा को पुट करेगा, then adds the address of receiving computer. चूंकि sending device का address उसके पास पहले से मौजूद होता है, so जो receiving device है उसका address भी इसने nominate करना होता है। Tokening में जो टोकन होता है वो बेसिकली हर कंप्यूटर में मुंतकिल होता है, फिर उसके बाद अगले कंप्यूटर में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये मेथड तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी कंप्यूटर तक मैसेज नहीं पहुंच जाता। अगर कंप्यूटर जिस तक मैसेज पहुंचाना है उसका एड्रेस मिल गया
तो जो सिग्नल है वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा और फिर दोबारा से कम्युनिकेशन वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई भी कंप्यूटर मैसेज को रिसीव नहीं करता तो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वापस सेंडिंग कंप्यूटर में चला जाता है और वहां पे जाके इंडिकेट करता है कि मैसेज किसी भी कंप्यूटर ने रिसीव नहीं किया, तो जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो अपनी मर्जी से उस मैसेज को डिस्कार्ड कर सकता है। इसमें आमतौर पे डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो 4 MB से लेके तकरीबन 1 GB तक होता है। सो इथरनेट के मुकाबले में ये बहुत हद तक स्लो होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी तरह के प्रोटोकॉल की, तो हम इसे कहते हैं आर्कनेट, ARCNET के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें बहुत से कंप्यूटर आपस में मुंसलिक होते हैं जिनके अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। ये 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ था और आमतौर पर इस प्रोटोकॉल के जरिए से हम ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और इनके कम्बिनेशन से बनने वाली जो ट्री टोपोलॉजी है उसके जरिए से भी डेटा को आमतौर पर सेंड किया जा सकता है। ये दूसरे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी निस्बत स्लो होता है। नॉर्मली इसकी जो स्पीड थी वो 2.5 MB/s के हिसाब से थी, लेकिन इसको इंस्टॉल करना, इसको कन्फिगर करना, इसकी मेंटेनेंस ये बहुत आसान है। डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम इस प्रोटोकॉल के जरिए से बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन रेट तकरीबन 100 MB/s के हिसाब से डेटा को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसके बाद हमने TCP और IP के मतलब पढ़ना है, सो हम बात करते हैं TCP की। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP से मुराद होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली आजकल ये इस्तेमाल होने वाला एक मुनफरद किस्म का प्रोटोकॉल है जिसको हम आमतौर पर इंटरनेट को एक्सेस करने और उसके जरिए से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के ऊपर अगर मैसेज को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं देन दिस प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। TCP किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और IP किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, हम अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। TCP बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी, डेटा को पहुंचाना डेस्टिनेशन तक। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टू प्रोवाइड द रूटिंग इंफॉर्मेशन। कहाँ से डेटा ने कहाँ तक पहुँचना है, कौन सी सेंडिंग डिवाइस डेटा को सेंड करेगी और कौन सी रिसीविंग डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी, इट आल्सो डिफाइंस बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस मकसद के लिए डेटा ट्रांसमिट किस तरह होता है, तो याद रखिएगा इसमें पैकेट स्विचिंग का एक कंसेप्ट होता है। पैकेट स्विचिंग क्या है? बेसिकली इसमें पैकेट स्विचिंग का एक कंसेप्ट होता है और पैकेट स्विचिंग क्या है, लार्ज मैसेजेस आर टू बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर वन एंड स्मॉलर पैकेट्स आर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर साइड टू द रिसीविंग साइड। अब इसमें क्या होता है, बड़ा मैसेज जो है उसको डिवाइड करके छोटे मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसे इंटरनेट के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। पैकेट्स रीअसेंबल होते हैं उस ऑर्डर के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। सो सेंडर साइड पे जिस तरह पैकेट्स बने थे, रिसीविंग साइड पे जब मैसेजेस पहुंचेंगे तो वो उसी ऑर्डर के तहत पहुंचेंगे जिस ऑर्डर के तहत उनको वहां पे भेजा गया था। पैकेट्स हमेशा याद रखिएगा वो मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस के जरिए से ट्रांसमिट करते हैं। मोस्टली हमें रूटर इस मकसद के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जरिए से डेटा ने ट्रांसमिट करना होता है। अब उसके बाद हम कम्युनिकेशन की लाइंस की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सी अकसाम की लाइंस मौजूद हैं जिनके जरिए से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उनमें से मेन दो लाइंस की मैं बात करूंगा, एक है ISDN और दूसरी है DSL। हम पहले बात करते हैं ISDN की। ISDN क्या चीज़ है? बेसिकली ISDN कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये एक ऐसी लाइन है जिसके जरिए से हम डिजिटल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी पहुंचा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसफर रेट्स देन डायल अप टेलीफोन। पुराने जमाने में जो टेलीफोन्स थे उनके जरिए से हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे। पहले एक नंबर डायल करना पड़ता था, नंबर डायल करने के बाद इंटरनेट तक एक्सेस हासिल होती थी, फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन करनी होती थी, वो एक लंबा चौड़ा काम था। अब हम क्या करते हैं, हम ISDN मेथड को यूज़ करते हैं और स्मॉल बिजनेस के अंदर या होम यूजर्स इसको बड़ी आसानी के साथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइंस। जो हम नॉर्मली घरों में टेलीफोन की लाइंस हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उन्हीं के जरिए से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इस स्टैंडर्ड के जरिए से। याद रखिएगा एक टेलीफोन लाइन
तीन सिग्नल या इससे ज्यादा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ISDN के अंदर जो स्पीड नॉर्मली इस्तेमाल होती है वो 1.54 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफर रेट इसमें मौजूद है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की लाइन की, हम उसे कहते हैं DSL। DSL को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली DSL कॉपर टेलीफोन लाइन को इस्तेमाल करते हुए फास्टेस्ट कम्युनिकेशन करवाने का एक जरिया है। DSL को कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना ISDN की निस्बत बहुत आसान है और इसमें डेटा की ट्रांसमिशन भी फास्ट होती है। नॉर्मली इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 128 KB से लेके तकरीबन 8 MB तक है। सो डेटा फास्टली यहाँ पे कम्युनिकेट करता है और इसके जरिए से सेफली डेटा को हम डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। आज के लेक्चर को एक दफा रिवाइज करिएगा। अगर आप समझें कि आपको आज के लेक्चर में कहीं पे किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में या ईमेल के जरिए से मुझे पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।